हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ टाटा सफारी के इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के ऊपर, जो अब ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ आता है। वैसे तो काफी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के बारे में अब पता चल गया है, क्योंकि पहले ये सिर्फ ऑडी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कारों में ऑफर किया जाता था। लेकिन अब इंडिया में कई ऐसे ब्रांड्स और उनकी कारें आ गई हैं जो काफी फीचर लोडेड हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के बारे में नहीं पता है, तो आज का वीडियो उनके लिए ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा सफारी के टॉप 2 वेरिएंट्स में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर किया जाएगा, यानी XZ और XZ प्लस वेरिएंट में। साथ ही ये मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में भी ऑफर किया जाएगा, यानी XZA और XZA प्लस वेरिएंट में भी। अब आपको मैं बताता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आखिर काम कैसे करता है। अभी मैं जिस कार में बैठा हूं, ये मैनुअल वेरिएंट है और ये XZ प्लस वेरिएंट है। ये मैं अंदर बैठ के इसको स्टार्ट करता हूं और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की बटन है। स्टार्ट करने के बाद मैंने गियर लगाया और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही है। और साथ ही नोटिफिकेशन आने लगा है कि प्रेस ब्रेक पैडल एंड रिलीज पार्क ब्रेक, क्योंकि पार्क ब्रेक अप्लाइड है, जिससे ये कार आगे नहीं बढ़ रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या करना है। इस बटन को आपको नीचे की तरफ पुश डाउन करना है और साथ ही जो ब्रेक पैडल है उसको भी साथ में प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कार आगे बढ़ने लगी। और अगर आपको कार रोकना है और हैंड ब्रेक लगाना है, तो आप कार को रोकने के बाद इस बटन को इस तरह से पुल, यानी ऊपर की तरफ करेंगे, तो आपका पार्क ब्रेक अप्लाइड हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी नई सफारी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को अप्लाई और रिलीज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैनुअल हैंड ब्रेक की जगह अब आपको, देसी भाषा में कहूँ तो, बटन से ब्रेक मिलने लगा है। और अब मैं आ गया हूँ ऑल न्यू टाटा सफारी के ऑटोमेटिक वेरिएंट में, और इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार का पावर पूरी तरह से ऑफ है, लेकिन उसके बाद भी इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक पावर सीट्स जो है वो किस तरह से काम कर रही है। आप इसको इग्निशन ऑफ होने के बाद भी सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। अब कार को स्टार्ट करते हैं और ड्राइव मोड में डालते हैं इस गियर लीवर को। डोर ओपन है और पार्क ब्रेक अप्लाइड है, और अब मैंने पार्क ब्रेक को रिलीज कर दिया है और कार देखिए आप आगे बढ़ने लगी। डोर ओपन था, अब मैं इसे बंद कर दिया हूं। सफारी अब भी एक्सेलरेट करने के बाद आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कार रोकता हूं और मैं डोर ओपन करता हूं, तो अब एक्सेलरेट करने के बाद आप देखिए कि कार आगे नहीं बढ़ रही है और नोटिफिकेशन आ जा रहा है पार्क ब्रेक अप्लाइड, यानी जो ऑटो होल्ड फंक्शन है वो यहाँ पे काम कर गया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सेफ्टी के लिहाज से ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ये कितना इफ़ेक्टिव है, कितने बढ़िया से ऑल न्यू टाटा सफारी में काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि अब देसी हैंड ब्रेक की जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल गया है। लेकिन अगर आपकी कार रुकती है और डोर ओपन होता है, तो ये अपने आप ऑटो होल्ड हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा, जिसके बाद आप इसको रिलीज करेंगे तभी कार आगे बढ़ेगी। दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस टाटा सफारी के ऊपर बनाए हैं, पब्लिक का रिएक्शन है, हैरियर से कंपेयर किया है, सिटिंग कैपेसिटी के ऊपर मैंने बनाया है, वॉकराउंड्स है, ड्राइव रिव्यूज़ है, ऑफ रोड रिव्यूज़ है, तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। लगातार नोटिफिकेशन में भी ऊपर वो लिंक्स आ रहे हैं आई बटन में, और वीडियो के अंत में, जैसा कि वीडियो अभी ख़त्म होने वाला है, उसके एंड में भी आपको दिख जाएंगे थंबनेल्स, उन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं
कि जो भी लेटेस्ट सफारी के बारे में आपको जानना है वो सारी जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ ऑटोट्यूब इंडिया पर। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस फीचर के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचेगा।